Welcome to all of my dear students, myself Gourav. Today we are going to discuss about catalysis. Catalysis is a phenomena, okay? ये एक phenomena है, यह एक process है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं. तो catalysis word बना आया है catalyst से. तो catalyst के बारे में पहले हम कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं, कुछ जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा discussion करते हैं. तो कैटलिस्ट क्या होता है, व्हाट इज अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट इट्सेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड इट्स मास. कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको अगर किसी केमिकल रिएक्शन में यूज किया जाए, उसको उसमें पुटअप किया जाए, तो वह उस रिएक्शन की स्पीड को, उस रिएक्शन के होने की स्पीड को, मींस कि सिंपली हम बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने की स्पीड को चेंज कर सकता है. वो डिपेंड करता है कि वो उसको कम करेगा या ज्यादा करेगा. कम या ज्यादा इनमें से कौन सा करेगा, ये डिपेंड करता है कि हमने कैटलिस्ट किस टाइप का लिया है. तो सबसे पहले हम यहां पर कैटलिस्ट की डेफिनेशन लिखते हैं. व्हाट इज अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन चेंज द स्पीड ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन without itself undergoing any change, any change in its chemical composition and mass. So जो catalyst होते हैं वो सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को कम या ज्यादा ही कर सकता है. ऐसा कभी नहीं होता कि वो नॉट फिजिबल रिएक्शन को फिजिबल कर दे. हाँ, एक दो केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जो रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट के नहीं हो पा रही थी, कैटलिस्ट उनको इनिशिएट करने में हेल्प कर देता है. सो इसमें हमारे पास काफी एग्जाम्पल हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट का. जब हम पोटेशियम क्लोरेट का डिसोसिएशन करें, व्हाट विल वी गेट, वी गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्लस थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइऑक्सीजन. ये जो रिएक्शन है ये वैसे काफी स्लो रिएक्शन होती है और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए अराउंड 70-100 केल्विन. ये रिएक्शन काफी ज्यादा टेम्परेचर पे होती है. लेकिन विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, अगर इसमें सुटेबल कैटलिस्ट डाल दिया जाए तो इस रिएक्शन की स्पीड भी फास्ट हो जाती है और टेम्परेचर जो हमें काफी हाई चाहिए था, इसके कंपेयर टू में हमें काफी कम टेम्परेचर की जरूरत इसमें पड़ती है.
फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी रिएक्शन को करें इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट मैंगनीज ऑक्साइड सो वी नीड अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 500 केल्विन द प्रोडक्ट्स विल बी सेम the products will be same. So this is the definition of a catalyst. कि catalyst क्या होता है? एक ऐसा chemical substance जो किसी भी reaction की speed को change कर सकता है. ठीक है? तो इसके बारे में अब कुछ और discussion करते हैं. कि catalyst कैसा हो सकता है? इसका nature क्या होता है? कितने type के हो सकते हैं? कैटलिस्ट जनरली हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं इसको एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरे नेगेटिव कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट अगर हम नेगेटिव वालों की बात पहले करें नेगेटिव कैटलिस्ट तो इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे आर्सेनिक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो दोनों कंपाउंड हैं दोनों केमिकल हैं ये एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट काम करते हैं या फिर इसको हम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि नेगेटिव कैटलिस्ट और पॉजिटिव कैटलिस्ट को कि ऐसा कैटलिस्ट जो किसी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेगा वो होगा पॉजिटिव कैटलिस्ट और ऐसा कैटलिस्ट जो किसी रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करेगा उसकी स्पीड को कम करेगा वो होगा नेगेटिव कैटलिस्ट तो हम नेगेटिव कैटलिस्ट की अगर बात करें तो इसमें लिख सकते हैं कैटलिस्ट विच will slow down a chemical reaction which will slow down a chemical reaction chemical reaction और positive catalyst किसे बोलेंगे positive catalyst एक ऐसा कैटलिस्ट जो किसी रिएक्शन की स्पीड को तेज करे इंक्रीज करे कैटलिस्ट विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करे वो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो उसकी स्पीड को स्लो करे वो नेगेटिव कैटलिस्ट अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रोमोटर्स की और पॉइजंस की कि प्रोमोटर्स और पॉइजंस क्या होते हैं पॉइजंस की अगर बात की जाए पॉइजंस एंड प्रोमोटर्स कि पॉइजंस और प्रोमोटर्स क्या होते हैं देखिए जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें कैटलिस्ट अपना एक रोल अदा करता है अपना रोल प्ले करता है उस रिएक्शन की स्पीड को कम करता है और ज्यादा करता है डिपेंड करता है कि कैटलिस्ट कैसा है अब उस कैटलिस्ट के साथ कुछ और एलिमेंट भी कुछ और कंपाउंड भी रिएक्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं वो जो दूसरे एलिमेंट या दूसरे कंपाउंड रिएक्शन में है वो क्या करेंगे वो उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे
मींस उसकी एक्टिवेशन पावर को कि वो पहले उन कंपाउंड्स की अब्सेंस में कितना ज्यादा एक्टिव था उस रिएक्शन के लिए और उनकी प्रेजेंस में कितना अफेक्टिव है। तो डिपेंड करता है कि वो जो अलग से कंपाउंड बाद में उसमें डाले गए हैं या उसमें पहले से प्रेजेंट हैं, वो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को, या फिर उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करें उनको कहा जाता है पोजंस, और ऐसे कंपाउंड्स जो किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को प्रमोट करें उसको इंक्रीज करें उनको कहा जाता है प्रोमोटर्स। सो पोजंस में हम लिख सकते हैं पोजंस सब्सटेंसेस विच डिक्रीज द एक्टिविटी विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, जो किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करे। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास है आर्सेनिक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो दोनों कंपाउंड है ये दोनों के दोनों एज अ पोजन एक्ट करते हैं, उसकी एक्टिव साइट पे जाकर के ये बैठ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। देखिए कोई एंजाइम कैसे काम करता है, किसी भी एंजाइम के पास अपनी एक एक्टिव साइट होती है, उस एक्टिव साइट पे सिर्फ वो रिएक्टेंट्स को लेना चाहता है कि रिएक्टेंट्स आए और उसकी एक्टिव साइट पे लग जाएं, जिससे वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा और रिएक्शन को इजिली फास्ट कर सकेगा। लेकिन आर्सेनिक और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करते हैं कि जैसे रिएक्टेंट उसकी एक्टिव साइट की तरफ आता है, उससे पहले खुद जाकर के उस एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे उस कैटलिस्ट की वो एक्टिव साइट पहले से ही फुलफिल हो जाती है और अब वो कैटलिस्ट अपना काम नहीं कर सकता। तो ये एज ए पोजंस काम करते हैं। अगर बात की जाए प्रोमोटर्स की, सो प्रोमोटर्स आर दोज सब्सटेंसेस और दोज केमिकल कंपाउंड्स विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। केमिकल कंपाउंड्स केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीज द विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, जो किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करे, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं अ प्रमोटर्स। इसमें भी हमारे पास काफी सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन एक बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल हमारे पास है जिसमें हम हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से अमोनिया गैस की प्रोडक्शन करते हैं। तो वहां पे हम आयरन एज अ कैटलिस्ट उसमें होता है, आयरन इसको अगर लिखें जब हैबर प्रोसेस में टू एन एस थ्री, इसमें आयरन एज कैटलिस्ट काम करता है और मोलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर काम करता है आयरन के लिए। ये आयरन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है अप टू सम एक्सटेंट, जिससे आयरन एक अच्छा कैटलिस्ट के रूप में काम कर सकता है। सो ये कैसे काम करते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रमोटर्स होते हैं
वो किसी भी कैटलिस्ट की जो सरफेस एरिया है उसकी रफनेस को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं अलग से टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट मेनली कितने टाइप के हो सकते हैं, वैसे हम अभी तक क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं इनका डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे, ये भी एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। इसमें भी कैटलिस्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नंबर वन होमोजीनियस कैटलिस्ट और नंबर टू हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। सो टाइप ऑफ कैटलिस्ट इसको हम लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, इट इज ऑफ टू टाइप, नंबर वन होमोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड नंबर टू हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होमोजीनियस कैटलिस्ट, देखिए किसी भी कैटलिस्ट को होमोजीनियस उस समय कहा जाता है जब वो उसी फेज में प्रेजेंट हो जिस फेज में हमारे रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हैं। सपोज हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं और वो रिएक्शन में जो रिएजेंट्स हैं वो गैसेस फेज में है, हम दो गैसेस को मिक्स कर करके कोई तीसरी नई गैस बना रहे हैं, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है, दो गैस मिलती हैं, एक थर्ड गैस इसमें बनती है। तो इसमें सपोज करो कि हम कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो अगर वो कैटलिस्ट भी गैस फेज का है, गैसियस टाइप का है, तो उस कैटलिस्ट को कहा जाएगा होमोजीनियस कैटलिस्ट। सो को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, अ कैटलिस्ट which is present in the same phase, which is present in the same phase as that of रिएक्टेंट्स, कि जिस फेज में हमारे रिएक्टेंट्स हैं उसी फेज में हमारा कैटलिस्ट भी प्रेजेंट हो। इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज जब हम सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड दिस इज अ गैस इन गैसियस फेज प्लस डाइऑक्सीजन दिस इज ऑल्सो इन गैसियस फेज, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है दैट्स आल्सो इन गैसियस फेज। तो यहां पे अगर देखा जाए ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट गैसियस फेज के हैं, तो जो हम कैटलिस्ट लें अगर वो भी गैसियस फेज का ले लें, सपोज करो नाइट्रोजन ऑक्साइड दिस इज आल्सो इन गैसियस फेज, तो ये रिएक्शन एक होमोजीनियस कैटालिसिस टाइप की रिएक्शन होगी और इस कैटलिस्ट को बोला जाएगा होमोजेनियस कैटलिस्ट। इसमें हमारे फॉर एग्जांपल भी हैं जिसमें हम ओजोन प्लस ऑक्सीजन जिसको हम लिख सकते हैं, इसमें हमारे पास है ओजोन प्लस ऑक्सीजन क्लोरीन and we will get 2O2। इसमें अगर देखा जाए तो ये जो ओजोन है ओजोन गैस this is also in gaseous phase, ऑक्सीजन एटम है ये भी gaseous phase में है, क्लोरीन एटम भी gaseous phase का है, और जो ऑक्सीजन गैस बनती है this is also in gaseous phase। तो ये सभी के सभी रिएक्शन
गैसियस फेज की हैं, इसलिए इनको होमोजेनियस कैटलाइजेशन कहा जा सकता है। इसमें एक और एग्जांपल हमारे पास है जिसमें हम लिक्विड फेज की बात करते हैं। ये दो रिएक्शन हमने गैस फेज के लिए की हैं। सपोज वी हैव C2H5OH लिक्विड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, जब इसको रखा जाएगा लिक्विड, दिस विल गिव अस ईथर, इथाइल ईथर। C2H5O C2H5 plus water, तो इसमें हमें ये ईथर मिलता है। तो देखा जाए तो जो अल्कोहल है दिस इज ऑल्सो इन लिक्विड फेज, सल्फ्यूरिक एसिड है जो वो भी लिक्विड फेज में है, और इसमें जो इस ईथर की प्रोडक्शन हुई है दैट्स ऑल्सो लिक्विड और ये भी लिक्विड। वैसे हमें प्रोडक्ट से ये देखना नहीं होता, प्रोडक्ट चाहे किसी भी फेज में बने, हमारा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स पे होता है कि हमारा रिएक्टेंट किस फेज का है। जिस फेज में रिएक्टेंट है अगर उसी फेज का कैटलिस्ट है सो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस कैटलिस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस की, कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट किसे कहा जाएगा। सेकेंड दैट इज हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। सेम तरीके से हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होगा, एक ऐसा कैटलिस्ट जो रिएक्टेंट से अलग फेज में प्रेजेंट हो। मींस ए कैटलिस्ट प्रेजेंट इन अ फेज डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट्स, कि जो रिएक्टेंट से डिफरेंट फेज में प्रेजेंट हो। इसमें भी हमारे पास एक बड़ा ही फेमस एग्जांपल है, हैबर प्रोसेस से जब हम अमोनिया की प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हमारे पास जो गैसेस होती हैं दैट इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दीज आर इन द गैसियस फेज। एंड जो अमोनिया इसमें बनती है हैबर प्रोसेस से दैट्स ऑल्सो इन गैस फेज, लेकिन जो कैटलिस्ट हम लेते हैं दैट इज इन सॉलिड फेज। ओके, तो ये सॉलिड फेज के हैं, ये दोनों गैसियस फेज के थे, इसलिए ये एग्जांपल हुआ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का। हेट्रोजीनियस कैटलिसिस में जो कैटलिस्ट जनरली लिया जाता है वो सॉलिड फेज का ही लिया जाता है, दैट्स जनरली ऑलवेज इन सॉलिड फेज, और जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो गैसियस या लिक्विड फेज के होते हैं। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा ज्यूम किया जाता है कि सरफेस होता है कैटलिस्ट का, उस पे पहले दोनों के दोनों रिएक्टेंट आके इकट्ठा हो जाते हैं और उस सरफेस पे ही वो रिएक्शन होती है। इसलिए जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है इन रिएक्शंस को सरफेस रिएक्शन भी कहा जाता है। इसमें हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, गैस ऑक्सीजन की हेल्प से गैस, दिस विल गिव अस सल्फर ट्राइऑक्साइड दैट्स आल्सो गैस, लेकिन जो कैटलिस्ट है दैट इज प्लेटिनम दैट्स इज इन सॉलिड फेज, वो सॉलिड फेज का ही होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में
कि कैटलिस्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैटलिस्ट, फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट। अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इट्स एक्टिविटी कि किसी भी कैटलिस्ट की अपनी एक एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी से मतलब है कि वो किसी रिएक्शन की स्पीड को कितना ज्यादा चेंज कर सकता है। ओके, मीन्स कि अगर कोई रिएक्शन पहले किसी अपनी स्पीड से हो रही थी तो कितने टाइम से उसको फास्ट कर सकता है, या अगर कोई रिएक्शन पहले बहुत फास्ट थी तो कितने टाइम से उसको स्लो कर सकता है। सो एक्टिविटी से हमारा मतलब है कि उस कैटलिस्ट की पावर उस किसी भी रिएक्शन की या किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए। तो किसी भी कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, वो किसी रिएक्शन को अप टू 10^10 टाइम्स तक चेंज कर सकता है, किसी रिएक्शन की स्पीड को 10^10 टाइम तक चेंज कर सकता है। तो और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई रिएक्शन जो वैसे नहीं हो रही थी, सिंपली नहीं होती थी, वो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इनिशिएट हो सकती है इजिली। जिसे जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से गैस, अगर वाटर का प्रोडक्शन हमें करना है तो विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन नहीं हो सकती, इसमें हमें कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा। और जब हम इसमें कैटलिस्ट का यूज करते हैं, कैटलिस्ट इन विच प्लेटिनम विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, तो ये रिएक्शन इजिली हो जाती है और इसकी यील्ड भी काफी अच्छी आती है और ये रिएक्शन काफी फास्ट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं किसी भी कैटलिस्ट के सेकंड फीचर के बारे में, दैट्स इट्स सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी से हमारा क्या मतलब है? सिलेक्टिविटी से मतलब है कि किसी भी कैटलिस्ट के पास अपनी एक पर्टिकुलर पावर होती है कि कोई रिएक्शन थी पहले वो काफी ज्यादा प्रोडक्ट दे रही थी, लेकिन अगर हमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही चाहिए, हमें वो बाकी के सब के साइड प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, तो हमें कैटलिस्ट की हेल्प से उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर रूट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो सिलेक्टिविटी, द पावर ऑफ अ कैटलिस्ट, द पावर ऑफ अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन, टू डायरेक्ट द रिएक्शन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वह पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब हम उसको डायरेक्ट करते हैं तो उसको कहा जाएगा उसकी सिलेक्टिविटी। इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जैसे सपोज करो, हम कार्बन मोनोऑक्साइड से जब हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, अगर हम कॉपर एज अ कैटलिस्ट लें, देन वी विल गेट फॉर्मेल्डिहाइड, वी विल गेट फॉर्मेल्डिहाइड, तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। सिमिलरली अगर हम ये रिएक्शन कॉपर प्लस जिंक ऑक्साइड इन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में जब कराएं, देन वी विल गेट अल्कोहल। कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हियर वी टेक टू मॉलिक्यूल कॉपर इन ZnO(Cr2O3), जब इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम कराएंगे, देन वी विल गेट
अल्कोहल। सो इससे हमारे हमें पता लगता है कि कैसे कोई कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को किसी रिएक्शन की सिलेक्टिविटी को चेंज कर सकता है। पहले वो डिफरेंट प्रोडक्ट दे रही थी, अब वो डिफरेंट प्रोडक्ट देगी। सिमिलरली अगर इसी रिएक्शन को निकल के साथ किया जाए, प्लस 3 हाइड्रोजन निकल, देन वी विल गेट मीथेन गैस। तो इस तरह से एक कैटलिस्ट के पास ये पावर होती है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट देने के लिए किसी रिएक्शन को बाउंड कर सकता है। तो अब हम इसकी थर्ड स्पेसिफिसिटी या थर्ड फीचर की अगर बात करें, थर्ड फीचर ऑफ कैटलिस्ट इज स्पेसिफिसिटी। यहां पे स्पेसिफिसिटी से हमारा मतलब है कि किसी भी कैटलिस्ट की वो पावर, ये इसको पावर नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं कि कोई कैटलिस्ट जो एक रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव था, हो सकता है कि वो दूसरी रिएक्शन पे काम ही ना करे। या फिर कोई रिएक्शन सिर्फ एक कैटलिस्ट से ही एक्टिवेट हो सकती है। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है। मींस इसको हम अगर लिखना चाहें, अ कैटलिस्ट कैन बी वेरी एक्टिव रिएक्टिव फॉर अ रिएक्शन एंड दिस सेम कैटलिस्ट मे बी totally inactive for a different reaction, दूसरी टाइप के रिएक्शन के लिए वो totally inactive हो सकता है। मीन्स की different reaction के लिए different catalyst की जरूरत हमें पड़ती है। तो यहां पे आज हमने discuss किया है catalysis के बारे में कि catalysis क्या होता है, कैटलिस्ट के बारे में और कैटलिस्ट के टाइप्स के बारे में। ओके, थैंक यू।